लोकसभा चुनाव के दौरान जहां भाजपा अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है, वहीं उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दल कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची है। इसी सिलसिले में विंध्य क्षेत्र में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, पूर्व महापौर पुष्कर सिंह तोमर व राजा राम त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह कछवाहा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुधीर सिंह तोमर, पूर्व महापौर प्रत्याशी मनीष तिवारी, रविन्द्र सिंह सेठी समेत कई नेता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। ये सभी नेता गुरुवार सुबह राजधानी में भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ऐसा लग रहा है सामने वाले के पास कुछ बचेगा ही नहीं। भाजपा में साधारण कार्यकर्ता को मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर पहुंचाया जाता है। आप बीजेपी के परिवार में आए हो, आपके पास ऐसा मौका कभी भी आ सकता है। आपको अधिकार दिया जाता है कि आप भी अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हो। उनको वही सम्मान दिया जाएगा जो यहाँ पर आपको दिया गया है। मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आपके सुझाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए खड़ी होती है कि जिसके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद रहने वाले व्यक्ति को सीधे उठा करके मंत्री और फिर मुख्यमंत्री के भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से आज भी ज्वाइनिंग हुई, कौन सी पार्टी बची है जिसमें कोई कार्यकर्ता रहना चाहते हैं, सभी भाजपा में आना चाहते हैं। मैं भाजपा में आने वाले सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत करता हूं। और हमने आश्वस्त किया है कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी बनाने जा रही है, और हमारी सरकार सभी लोगों का सम्मान का ध्यान रखेगी, उनके सुझाव पे काम करेगी, और जनता की सेवा को लेकर के सरकार जिस ढंग से अभियान में चल रही है, मैं निश्चित रूप से सबको लेकर के मध्यप्रदेश की युवा शक्ति का, गरीब लोगों का, किसानों का, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को नंबर वन राज्य बनाना, तो सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पे